दोस्तों, ये मेरा हाथ में आईटेल A48 मोबाइल है। तो इसका जो है, अगर आपके पास आईटेल A48 मोबाइल है तो अगर आपको हैंग हो रहा है या तो स्लो हो रहा है तो इसका डेवलपर ऑप्शन जो है एनेबल करके फ़ोन को थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, कैसे आपको डेवलपर इसका एनेबल करना है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ से अबाउट फोन में आना है। तो आईटेल A48 जो मोबाइल है तो उसका सेटिंग में आपको आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको अबाउट में आना है। तो अबाउट में आने में आपको इस तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, जहाँ पे बिल्डन नंबर जो दिखा हुआ तो इसको आपको टैप करते रहना है 4-5 बार। अगर इस टैप करने के बाद अगर आपका फ़ोन में पैटर्न होगा तो आपको पैटर्न भी डालना है। तो उसके बाद ये एनेबल हो जाएगा। एनेबल होने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे जो सिस्टम लिखा हुआ है तो ये सिस्टम पे क्लिक करना है। तो जैसे सिस्टम पे आपको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एडवांस में आना है। तो यहाँ पे आप एडवांस में आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन जो है आपका शो हो जाएगा। तो इसको यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऊपर वाला बटन जो है आपको ये ऑन रहना है। फिर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं यहाँ पे 3 सेटिंग बताऊँगा, तीनों सेटिंग को ऑफ कर देना है। तो चलिए वो सेटिंग कौन सा है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो विंडोज एनिमेशन स्किल बोल के आएगा 1x में रहेगा, तो इसको आपको ऑफ कर देना है। और सेकंड वाला को भी ऑफ कर देना है और थर्ड वाला को भी ऑफ कर देना है। आपको ये तीनों सेटिंग को ऑफ कर देना है। तीनों सेटिंग को ऑफ करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। और एक सेटिंग है इसमें, वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड डाटा प्रोसेस लिमिट जो लिखा हुआ है तो इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नो कर देना है। बस इतना ही करना है। आपका फ़ोन अगर हैंग हो रहा है, स्लो हो रहा है तो इस फोन जो है आपका थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं इसका मॉडल नंबर भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका मॉडल आप देख सकते हैं, आईटेल A48।